नमस्कार दोस्तों, एचआर रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस कैसे बनती है, जे मेरी ये रेसिपी आपको पिज्जा सॉस की पसंद आए इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। देखिए मैं बनाने जा रही हूँ पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस के लिए मुझे क्या सामान चाहिए, 3 टमाटर मैंने काट लिए है लाल बड़े बड़े, और थोड़ा सा मुझे लहसुन चाहिए छिला हुआ और मैंने उसको काट लिया है, थोड़ा सा मुझे प्याज चाहिए, थोड़ी सी लाल मिर्च सूखी हुई उसको मैंने काट लिया है, थोड़ी सी मुझे चाहिए तुलसी के पत्ते 2-3। अब देखिए मैंने कढ़ाई रख दी है, अब मैं इसमें 2-3 चम्मच ऑयल डाल दूंगी। ऑयल मैंने डाल दिया है, अब मेरा ऑयल जो है गर्म हो गया है। अब मैं डालूंगी इसमें गार्लिक, गार्लिक के बाद मैं डालूंगी लाल मिर्च सूखी वाली जो मैंने काटी थी। अब मैं डालूंगी थोड़ा सा प्याज, इसको मैं थोड़ी देर हल्का सा डालूंगी। इसमें टमाटर, टमाटर के साथ से डालूंगी जो कि तुलसी के पत्ते, और इसी के साथ डालूंगी मैं थोड़ा सा आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी काली मिर्च 1 टेबल स्पून। मैश हो चुका है, देखिए अच्छे से मैश हो गया है। अब मैं गैस को कर दूंगी बंद और इसको थोड़ा सा ठंडा करके, देखिए ये जो अभी मैंने मसाला बनाया था चटनी का, ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूंगी जार में डाल के मैं इसको पीस लूंगी। सॉस रेडी हो चुकी है, अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूंगी।